हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी यूनिट एंड डाइमेंशंस का एक अच्छा सा क्वेश्चन। इफ द स्पीड वी, एक्सेलरेशन ए एंड फोर्स एफ आर कंसीडर एज अ फंडामेंटल यूनिट्स, डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस विल बी। चार चॉइस दे रखी है। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं, एक डेरिवेशन फार्मूला से और एक शॉर्टकट मेथड से। तो देखते हैं, पहले मैं फर्स्ट मेथड शॉर्टकट से करूंगा, फिर मैं आपको इसको किससे करके दिखाऊंगा, डेरिवेशन फॉर्मूले से करके दिखाऊंगा। मेथड वन, देखो यंग मॉडुलस का डायमेंशन वाला पूछ रहा है, तो आप यंग मॉडुलस का इनमें से पूछ रहे हो। देखो इनके टर्म में चाहिए यंग मॉडुलस का डायमेंशन वाला, तो पहले यंग मॉडुलस का डायमेंशन वाला लिख लीजिए आप। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यंग मॉडुलस, ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ले सकते हैं इसको। मैं रफ में जाके इसको समझाता हूँ, फॉर्मूला याद होना चाहिए बेसिक, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस होता है, सिलिस की वैल्यू तो M0 L0 T0, और स्ट्रेस जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, और फोर्स का जो होता है वो MLT-2 और एरिया का L2। एल से एल कैंसिल, देन L-1 T-2, ये स्ट्रेस यंग मॉडुलस का हो गया। तो एम, क्योंकि इसका ये तो डायमेंशन लेस है, तो जो स्ट्रेस का होगा वही यंग मॉडुलस का होगा, तो इसीलिए M L-1 NT-2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस। अच्छा, एंड ये तो मेरे को चाहिए। नाउ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड, स्पीड का लिखें जो कि वी बता रहा है यहाँ पे, बराबर इसको फंडामेंटल कंसिडर करने की कह रहा था, स्पीड का डायमेंशन वाला वी मान लेंगे। और वैसे होता क्या है, LT-1, ये इक्वेशन फर्स्ट। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एसलरेशन, एसलरेशन इसको कैपिटल ए कंसिडर करने की कह रहा है, और इसका होता है LT-2, इक्वेशन टू मान लेंगे। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, इसको MLT-2 और एफ कंसीडर करते हैं, और ये ऐसे मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 3। यानी तो करना क्या है, करना ये है कि देखो अगर आपको वाई की वैल्यू जो है, यंग मॉडुलस की जो वैल्यू है वो वी ए और एफ के टर्म में चाहिए, तो आप यहाँ से एक काम करिए, एम और एल और टी की वैल्यू चाहिए आपको। इस MLT को आपको कन्वर्ट करना है किस में, वी ए और एफ में। तो आप यहाँ से इन तीन इक्वेशन से एम की वैल्यू, एल की वैल्यू और टी का डायमेंशन इन टर्म ऑफ वी ए और एफ फाइंड आउट कर लीजिए, बिल्कुल इक्वेशन की तरह से। जैसे तीन इक्वेशन दे रखी होती हैं एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं, ऐसे आपको मान लो ये तीन इक्वेशन दे रखी हैं, 1 2 3, इन तीनों से आपको एम की वैल्यू निकालनी है, एल की वैल्यू निकालनी है और टी की वैल्यू निकालनी है, किसके टर्म में, वी ए और एफ के टर्म में। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द डायमेंशन लिख दो, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एम एल एंड टी इन टर्म ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स एफ, ये इसका कंसेप्ट है, बस आपको ये फाइंड आउट कर लो बस। तो कैसे करें, तो इक्वेशन की तरह से सॉल्व कर लो। देखो क्या करें, एम का निकलना साफ साफ दिख रहा है, इसका इसमें डिवाइड कर दूं तो ये पूरा कट जाएगा और एम निकल आएगा। तो मैंने कहा था इक्वेशन थर्ड डिवाइड बाई टू, ऐसे तीसरी में दूसरी का डिवाइड कर दें, तो ये जो फोर्स है आपका और ये एक्सेलरेशन है, और ये आपका MLT-2 है और एक्सेलरेशन का LT-2 है, ये से पूरा कैंसिल हो जाएगा और एम निकल आएगा। तो एम कितना निकल के आया, एम निकल के आया FA-1, तो वही ए कट गया, एम बचा, इसको ऊपर लेके आएंगे तो FA-1। एक तो आपका ये ध्यान रखना है कि ये एम निकल आया, और देखो किसके टर्म में निकला, एफ और ए के, बस यही ध्यान रखना है। ठीक, दूसरा
अब मैं क्या करूं और क्या कर सकता हूं, मैं एल और टी निकालना है मेरे को। अब देखो साफ साफ दिख रहा है, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, टी निकल जाएगा यहाँ से, तो मैं फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड कर देता हूँ, एंड इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड, तो वी और ए का मैंने डिवाइड कर दिया, क्योंकि तो मैं एल टी माइनस वन से और ये एल टी माइनस के टू से एल कैंसिल हो गया, इसको ऊपर लेके आऊँ तो ये टी प्लस का बचेगा, क्योंकि तो ये प्लस के टू हो जाएगा, तो टी यहाँ से, तो यहाँ से देखो टी निकल आया आपका, टी निकल के आया कितना, वी ए माइनस वन, देखो टी भी निकल आया भाई, टी भी निकल आया, किसके टर्म में निकल आया, वी और ए माइनस के टर्म में। अब रह गया केवल एल निकालना, एल निकालने के लिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ही यूज कर लो, सेकंड यूज कर लो, मैं तो फर्स्ट कर लेता हूँ आसान है, वी इक्वल टू एल टी माइनस वन, निकालना मेरे को एल है इसीलिए मैं यहाँ से एल लिखूँ, तो वी ये हो गया और टी नीचे माइनस वन, ऊपर ले आऊँ तो वी प्लस के टी, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये कि यहाँ पे टी के टर्म में नहीं, एल निकालना जरूर है लेकिन टी के टर्म में नहीं, इसीलिए पुट कर देनी पड़ेगी वैल्यू मेरे को, वी टी की वैल्यू जो मैंने निकाली है ये वाली, टी की ये वाली वैल्यू यहाँ पे मेरे को पुट करनी पड़ेगी, इसीलिए कितना हो जाएगा, वी ए माइनस वन, दैट मीन्स वी स्क्वेयर ए माइनस वन, देखो ये टी के लिए निकल, एल के लिए निकल आई, ये आपकी एल की वैल्यू निकल आई। अब मेरे को ये तीनों वैल्यू यंग मॉडल्स में रख देनी है, नाउ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस वाई इक्वल टू कितना, एम एल माइनस वन टी माइनस के टू, पुट द वैल्यू, एम की वैल्यू देखो निकाली मैंने, एफ ए माइनस वन, एफ ए माइनस वन, ये एम की वैल्यू पुट करी है मैंने, ये है ना, और पुट एल की वैल्यू पुट करो, एल की वैल्यू कितनी है देखो ये रही, और उसकी पावर माइनस वन है इसीलिए वी की पावर माइनस के टू, और माइनस वन है इसीलिए प्लस वन, टी की वैल्यू पुट कर दो, लेकिन इसकी पावर माइनस के टू है इसीलिए वी माइनस के टू और ए प्लस के टू। अब इसे सॉल्व कर लूँ, एफ तो पूरे में एक ही है, एफ वी चेक कर लो, चलो अब एफ चेक कर लिया, वी माइनस के टू वी की पावर माइनस के फोर, ए देखो तो ये ए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ए ही बचा ए स्क्वेयर, इसीलिए इसको जिस जो आपका आंसर दे रखा है उसके मैं लिख दूँ, तो वी की पावर माइनस के फोर ए का स्क्वेयर और एफ, ये इसका आंसर हो गया, ठीक ये आंसर हो गया, इसीलिए इसकी जो चॉइस हो गई वो सी हो गई, सी इज द करेक्ट आंसर, है ना, एक आप इस तरह से कर सकते हो इसको, है ना, लेकिन अगर आपको ये इतना मैंने करके दिखाया है, अगर शॉर्ट में करना हो शॉर्ट में भी कर सकते थे आप इसे, यहीं से सोच लेते हैं तो तुरंत निकल आता है, वो तो मैंने करके दिखाया आपको, ठीक। चलिए अब इसका सेकेंड मेथड देखते हैं, अगर हम सेकेंड मेथड हम करते हैं किससे, डेरिवेशन फार्मूला से, किससे, सेकेंड मेथड अगर आप देखना चाहें तो ये सबको आता है मोस्टली, यही मेथड सबसे 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 ज़्यादा आता है आपको, यंग मॉडुलस का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, इसलिए यंग को इधर लिख लीजिए, है ना, प्रोपोर्शनल लगा लीजिए, और किसके टर्म में निकालना है, वेलोसिटी के टर्म में, एक्सेलरेशन के टर्म में और फोर्स के टर्म में, और इसकी पावर एक्स वाई जेड निकाल लिख लीजिए, एक्स वाई जेड। अब यंग मॉडुलस प्रोपोर्शनल टू हटाएंगे तो एक डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट आ जाता है के, वी की पावर एक्स, ए की पावर वाई और एफ की पावर जेड, इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको हियर के तो यहाँ पर क्या है, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है, के तो क्या है, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है ना, कॉन्स्टेंट, और राइट द डायमेंशन फॉर्मूला, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बोथ साइड, बोथ साइड का डायमेंशन पुट कर दीजिए, तो यंग का भी मैंने निकाला था यहाँ पे, बेटा इनसे चीटिंग कर लेते हैं, एम एल माइनस वन एंड टी माइनस के टू, के तो डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है, वेलोसिटी का मैं जानता हूँ एल टी माइनस वन पावर एक्स, एक्सलरेशन का भी मैं जानता हूँ एल टी माइनस के टू पावर वाई, और फोर्स का भी मेरे को लर्न होता है एम एल टी माइनस के टू पावर जेड।
अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, पहले एम की पावर देखें, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है एम की पावर जेड। एल की देखें, एल की पावर एक्स प्लस एल की पावर वाई, इसमें एक्स है, इसमें वाई है, इसमें जेड है। टी के देखें, इसमें एक्स है माइनस एक्स माइनस के 2y और उसमें माइनस के 2z, और ये हो गया ऐसे। अब आपको क्या करना है, कंपेयरिंग करनी है, कंपेयरिंग द पावर ऑफ बोथ साइड, पावर ऑफ बोथ साइड। जो पावर होती है वो आपकी डायमेंशंस भी बोलते हैं उसको। तो कंपेयरिंग करें, m की पावर कंपेयर कर रहा हूँ z इधर वन, एक तो ये निकल आया है ना। और अब l की पावर कंपेयर कर लूँ, x प्लस वाई प्लस जेड, और l की वैल्यू इधर कितनी है, माइनस वन। ठीक, t की पावर कंपेयर कर लेता हूँ, माइनस एक्स माइनस के 2y एंड माइनस के 2z इज इक्वल टू माइनस के 2। अब देखो जेड तो मेरे पास है ही है, एक्स एक्स काट देता हूँ, वाई निकल आएगा है ना, इक्वेशन बनेगी। या फिर मैं जेड से जेड काट देता हूँ तो दो इक्वेशन नहीं, एक्स एक्स काट देता हूँ, मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ, एक्स एक्स कैंसिल कर देता हूँ, ये माइनस का वाई और ये माइनस का जेड और ये माइनस का 3। अब मेरे पास जेड की वैल्यू है 1 बराबर माइनस के 3, यहाँ से मैं सॉल्व करूँ तो माइनस के वाई बराबर, इसको जल्दी क्या होगा तो माइनस के 2, ये से कैंसिल, देन वाई इज इक्वल टू 2। ठीक, और वाई की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूँ, जैसे मैं फ्रॉम इक्वेशन 3 में पुट कर देता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस वन, और एक्स की वैल्यू पुट कर दूँ मैं कितनी निकालनी है, एंड वाई की वैल्यू मैं पुट कर दूँ कितनी 2, और जेड की वैल्यू पुट कर दूँ प्लस के 1 और माइनस के 1। तो एक्स बराबर हो जाएगा, देखो 2 1 3 उसको लेंगे तो माइनस के 4, एक्स बराबर माइनस के 4 हो जाएगा। और ये सारी वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में, तो यंग मॉडुलस इज इक्वल टू जो आएगा के वी की पावर एक्स, ए की पावर वाई और एफ की पावर जेड। तो वाई इक्वल टू आ जाएगा के एक्स की वैल्यू माइनस के 4, वाई की वैल्यू आपकी 2 और एफ की वैल्यू जेड की वैल्यू 1। बट मैंने इसको डायमेंशन फॉर्म में लिखना है इसका, अगर इसको डायमेंशन फॉर्म में लिखूंगा तो के इज अ डायमेंशन लेस, के इज डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस इसे छोड़ देंगे, इसीलिए डायमेंशन फॉर्म में लिख दें, माइनस के 4 ए स्क्वेयर और एफ। देखो ये वही आ गया जो हमने पहले निकाला था। आपको जिससे भी अच्छा लगता हो आप उससे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पढ़ते रहिए और खुश रहिए, और मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ नई वीडियो में। थैंक यू।